वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। अभी हम अपने सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं ACIO प्रैक्टिस क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, फोर सिस्टर सुवर्णा तारा उमा एंड विभा आर प्लेइंग अ गेम सच दैट द लूजर्स डबल्स द मनी ऑफ ईच ऑफ द अदर प्लेयर्स फ्रॉम हर शेयर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, चार सिस्टर गेम खेल रही है और जो भी गेम को हारेगा वो क्या करेगा कि दूसरे का जो प्राइस है उसको डबल कर देगा। ठीक है, मान लीजिए अगर चार खेल रही हैं, मतलब सबके पास दो दो रुपए है इनिशियली, मतलब करने के लिए। ठीक है, तो इन्हें मान लीजिए इसमें से एक कोई हार गया तो वो क्या करेगी, बाकी का जो दो दो है सबको चार चार बना देगी, मतलब उसके अकाउंट से 6 रुपए चले गए इस हिसाब से। ठीक है, अब वहाँ पे क्या है कि दे प्लेड फोर गेम्स, तो उन्होंने ऐसे चार गेम खेले, मतलब चार बार राउंड चला। ठीक है, और इच सिस्टर लॉस्ट वन गेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और हर एक जो बहन थी वो गेम हारी, लेकिन कैसे, जैसे ABCD के हिसाब से हारी, जैसे पहले सुवर्णा हारी क्योंकि ऐसे, फिर तारा हारी, फिर उमा हारी, फिर विभा हारी। तो पूछ रहा है कि एट द एंड ऑफ द फोर्थ गेम इच सिस्टर हैज 32 रुपीज, मतलब कहने का मतलब ये है कि शुरुआत जब चारों गेम खत्म हो गया तो सबके पास 32 रुपये बचे। ठीक है, तो हाउ मच डिड सुवर्णा स्टार्ट विथ, तो सुवर्णा कितने पैसे लेके स्टार्ट की, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों से शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए, अब सबसे पहला चीज देखिए कि जब 32 रुपये सबके पास है तो यहाँ पे चार है तो 128 रुपये हो गया। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, हमें सुवर्णा का निकालना है तो पहले ये जानना पड़ेगा सुवर्णा कब हारेगी। तो क्योंकि ये हमारा लिखा हुआ है कि लॉस्ट वन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो सबसे पहले कौन हारेगी, सुवर्णा। ठीक है, तो सुवर्णा का हम पहले मान लेते हैं कितना पैसा उसके पास है, चलिए हम मान लेते हैं। तो मान लिया हमने उसके पास एक्स है, तो अब कैसे वो हारेगी, कैसे जीतेगी, इसके लिए टेबल बनाया है हमने, वो टेबल आप देख लीजिए। वो टेबल ये है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि स्टार्ट में उसके पास एक्स रुपीज था। ठीक है, तो बाकी के पास कितना होगा, टोटल तो 128 ही है, उससे ज़्यादा नहीं है, तो बाकी के पास कितना है, 128 माइनस एक्स। ठीक है, अब सुवर्णा का नाम पहला से पहला गेम वो हार गई। ठीक है, तो पहला गेम जब वो हारी तो उसके पास कितना पैसा बचा, है ना। अब देखिए बाकियों के पास कितना था, 128 माइनस एक्स, तो अगर बाकी का डबल करे जाए तो ये क्या हो रहा है, सबका सुवर्णा को जो ये पैसा है, अगर इतना पैसा वो हारेगी सुवर्णा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा वो चेंज कर लेना चाहिए ये देखे। तो अगर सुवर्णा इतना पैसा हारेगी तो ही इन लोग का ये डबल होगा, है ना, अदरवाइज डबल होने का कोई चांसेस नहीं। और यहाँ पे 128 होगा, थोड़ा सा। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पे कि इसने ऐसा इतना पैसा हार दिया, क्योंकि हमें बताया गया कि इसके इस पैसे को डबल करना है, तो इस पैसे को डबल करने के लिए क्या होगा, इतना ही पैसा इसको हारना पड़ेगा, तो इसने इतना पैसा वो हार गई। ठीक है, तो क्या हो गया इसका, अब जोड़िए तो 2x माइनस 28 आएगा। अब इसके बाद वो कभी नहीं हारी, उन्होंने चार गेम खेला, हर गेम में कोई और हारेगा, तो जब फर्स्ट सेकंड गेम वो जीती तो उसका पैसा भी क्या होना चाहिए, डबल हो जाना चाहिए, जिससे इसका डबल हो गया। फिर उसके बाद जब जीती तो फिर डबल हो जाना चाहिए, तो ये 2 था, 2 इंटू फिर से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया। फिर इस गेम के बाद चौथा गेम में वो जीती है तो उसका पैसा फिर क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए, 4 की जगह पर 2 इंटू 4 करेंगे तो 8 आ गया। अब हमें पता चल गया कि फाइनल जो मनी है इसके पास कितना बचा, 8 इंटू 2x माइनस 128। और यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि हर सिस्टर के लास्ट पैसे कितने बचे हैं, 132। ठीक है दोस्तों, तो
अब अगर इन दोनों को इक्वेट करेंगे हम तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए इक्वेट करते हैं, तो ये हमने इक्वेट किया और इसका एक्स वैल्यू 66। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दे दोस्तों, और कमेंट करें इसके बारे में कैसा लगा आपको ये वीडियो, और आपको कोई क्वेश्चन अगर पूछना है तो कमेंट में बता सकते हैं, हमें हम तुरंत तुरंत ही सॉल्व करके आप देंगे दोस्तों। ठीक है, हो सकता है कि हम अपने जॉब्स में चले जाएँ तो दैट टाइम हम उनको नहीं दे पाए, बट हम ट्राई करेंगे जिस दिन आप डालेंगे उसी दिन आपके पास ये सॉल्यूशंस पहुंच जाए। ठीक है, और दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़, सब्सक्राइब करिए जरूर से जरूर, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन को हमें बहुत ज़रूरत है। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना मोटिवेट होंगे इस क्लास को और आगे बढ़ाने में और आपको हेल्प करने में, आपको कहीं और जाना ही नहीं पड़ेगा अगर हमने सारा कोर्स प्रिपेयर हो गया दोस्तों। तो और दोस्तों शेयर कर सकते हैं तो करें जरूर अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम उनसे कनेक्ट हो पाए, वो हमसे कनेक्ट हो पाए, हम सब मिल के पढ़े आगे, और बहुत कुछ करना है अभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, दोबारा आते रहिए, धन्यवाद।